महावीर जी, स्वागत है आपका। एक तो जो कहा था भाई, मैंने त्रिफला ज्यादा खाया हुआ है, मैं अब अरंडी का तेल लेने लग गया हूँ 26 दिन से। श्याम ने दूध में डाल के, गाय के दूध में, एक गिलास दूध में, और उसको खूब उबाल के पहले दूध को फिर डाल के पी लेता हूँ, तो अब मेरे काफी आराम लगने लग रहा है पेट में। और अब जो वो फिर घूमने जाता था, वो धक्के ही देव है, वो गैस कम बनने लगी है, अब काफी फर्क है। तो और एक ये बताना जी, ये कितने दिन लेना है? महीना, 2 महीने, 3 महीने, मतलब एक तो इसकी अवधि बताना जी। और एक मेरी कमजोरी ज्यादा होगी, क्योंकि दवाई अब आपकी तो 4-5 महीने से खाता हूँ, इससे पहले आयुर्वेदिक की काफी खाई है कोरोना टाइम में भी, लेकिन उनसे इतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन कमजोरी आ गई, क्योंकि सारी चीज बाकी छुटकी खटाई खुटोई सब मैं खाता नहीं, तो उसकी वजह से अब एक तो मैं गोन चलगोजा ले रहा हूँ, अरी वो उसके साथ जो बताई थी आपने इलायची, जी एक टूटी उसकी ले रहा हूँ, लेकिन मैं गाय के दूध में ले रहा हूँ। तो ये बताओ, गाय का दूध में ले सकूं कि नहीं? मतलब जर्सी नस्ल की गाय है, पतला है, उसकी भी मलाई तार के फ्रिज में धरके मैं बिल्कुल पतला कर लेता हूँ, तो इसके बारे में बताओ भाई। ये दूध साथ साथ, क्योंकि मैं जैतून का सरका अदरक लहसुन वाला भी ले रहा हूँ, तो ठीक। उसके साथ साथ ये दूध मेरे को उल्टा नुकसान तो नहीं करेगा? मैं ये ले दूध में अरंडी का तेल भी शाम को दूध में लेता हूँ, और एक गिलास चिलगोजे के साथ लेता हूँ, दिन में एक बार लेता हूँ। तो ये मेरे 2 प्रश्न है जी, वो बताओ। गाय का दूध, गौ माता का दूध आपको नुकसान नहीं देगा। जिस तरह से आप लेते हैं तो आप ले सकते हैं। और ये अरंडी का तेल आप 2-4 महीने भी लगातार ले सकते हैं। और देखिए, आप तो किसान आदमी लग रहे हैं, तो ये बेल का मुरब्बा मिलेगा अभी, तो वो खा लिया करें कभी कभी, रोज़ाना भी खा सकते हैं, उसका एक पीस रोज़ाना खा लिया करिए। और जब बेल बेल पत्थर का मैंने आपको बताया है मुरब्बा, जब बेल आने लगे, अभी तो नहीं आएगी, 2-4 महीने बाद आएगी, तो उसका जूस खूब पिया करें। ये भी आपके पेट को बहुत फायदा करता है। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन दवाएं हैं पेट के लिए, उसमें एक नाम पत्थर बेल या बेल पत्थर या इसका मुरब्बा हो, इसका भी नाम है दुनिया की। जो लोग, जैसे आपने बताया कि आपने त्रिफला बहुत खाया, त्रिफला वाकई नुकसान देता है, और त्रिफला को यूज़ करना चाहिए अरंडी के तेल में भूनने के बाद फिर यूज़ करना चाहिए, तब फायदा देता है। नहीं तो जितने लोग त्रिफला खा रहे हैं उनकी आंतों की यही हालत होगी जो आपकी हुई है। तो इससे हमारा आंतों का लेमिनेशन निकल जाता है, और लेमिनेशन एक बार निकल गया तो बड़ी मुश्किल से आता है। लेकिन बेल पत्थर में ये तासीर है कि अगर इसे लगातार इस्तेमाल किया जाए तो ये आंतों का वो लेमिनेशन वापस कर देती है जो हमें किसी दवा या त्रिफला से नुकसान से चला जाता है। कमजोरी के लिए चिलगोजा ले रहे हैं हकीम साहब। हाँ, एक बार काफ़ी है, चिलगोजा लिया करें, अलसी लिया करें, अलसी खाया करें, और अखरोट खाया करें, और फ्रूट खाया करें, मौसम के तमाम फ्रूट खाया करें। डायबिटीज़ है तो कम खाया करें, डायबिटीज़ नहीं है तो खूब खाया करें। मेरी दुआ है कि आप स्वस्थ रहें, आपकी पत्नी भी स्वस्थ हो जाए।